अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? भैया की उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। फाइनली जो मैं काम पे पहुँच चुकी हूँ और आपकी नेक दुआओं के साथ जो है हम आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने का मतलब यह है कि शुरू करते हैं, शुरू करने का मतलब जो भी समझें वो करते हैं जनाब। तो आए आगे जो है अपने व्लॉग की तरफ बढ़ते हैं। अभी जो है हम काम पर पहुँच चुके हैं, अपने काम का जो है ध्यान देते हैं अपने काम पर, क्योंकि आजकल काम का लोड बहुत है। और सॉरी मैं आप लोगों के साथ अपना काम शेयर नहीं कर पा रही क्योंकि अलाउ नहीं है। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो मैं वो भी आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी। चलो फिर पहले नाश्ता करते आएँ मिलके। तो अभी जो है हमारे बर्तन भी धुल चुके हैं और पहले हम मिलके बैठ के नाश्ता करते हैं। यहाँ पे जो है मेरी सिस्टर और मेरी जो है नाश्ता आ चुका है, VIP गर्मा गर्म पराठा एंड चने और ऊपर से थोड़े से प्याज कटे हुए। ये है हमारा सुबह का हैवी नाश्ता। तो अभी देख लें हमारे डिपार्ट में पूरा दिन चाय बन बन के टेबल का ये हशर नशर हो जाता है, आप लोग को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो हमारे ये टेबल का हशर है, हमने जो है नाश्ता वाश्ता कर लिया था, यहाँ पे जो हमारे टेबल का हाल हुआ है, हमारा टेबल जो है बेहाल हुआ है। तो पूरा दिन एक लड़की बेचारी बर्तन धो धो के आए, उनसे हाल पूछते हैं। कदर बेचारी से बर्तन धुलवाते हैं, लेकिन आप लोग मुझे एक मशवरा दें, क्या इस लड़की को चेंज कर दें बर्तन धोने के लिए या यही सही है? राय आप लोग दें, कमेंट में आप लोग बताइएगा और अमल मैं करूंगी। ये तो बेचारी कह रही थी मैं थक जाती हूँ पूरा दिन, लेकिन मेरे लिए ये परफेक्ट है। आप लोग बताएं मैं इससे कौन सा काम करवाऊँ, पैकिंग का काम करवाऊँ, ग्लव्स का काम करवाऊँ, कौन सा काम करवाऊँ, ये आप लोग मुझे बताएँ। अपने साथ तो मैंने इसको बर्तन धोने के लिए रखा हुआ है और आप लोग बताएंगे मैं इसे क्या करवाऊँ। तो अभी जो है हम चलते हैं। तो अभी जो है हम जा रहे हैं, बर्तन धो लिए हैं और एक लड़की जो है ऊपर जा रही है वो देखें। तो यहाँ पे जो है मैं ऊपर आई थी इन लड़कियों के पास छत पे देखने, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, आए हाय बड़ा मज़ा आ रहा था ना। और साथ देखें साउदर से लड़के जो हैं वो उस वाली कंपनी में मैच खेल रहे हैं। मैंने कहा आप लोग को दिखाऊँ, ये देखें। देखा ये लोग मैच खेलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखें बेचारी आंटी उसे बैग नहीं उठाए जा रही थी और सामने हमें ना ये बिल्ला बैठा हुआ था, इतना प्यारा क्यूट लग रहा था ना। अभी जो है फाइनली मैं घर पे भी पहुँच चुकी हूँ। आप यकीन माने जब हम घर पे घुसते हैं ना इतनी गर्मी लगती है, इतनी गर्मी जिसकी कोई हद नहीं है। तो इधर पहुँच चुके थे, इधर जो है अभी मेरी सिस्टर बना रही थी रोटियाँ। तो मैंने कहा चलो तुम बनाओ आई रोटियाँ, क्योंकि मैं नहीं बना रही आज, मैं खुद थक गई हूँ। आप लोग यकीन माने हम लोग बहुत थक जाते हैं जिसकी कोई गुंजाइश नहीं होती, लेकिन फिर भी इतनी हिम्मत होती कि घर आ जाते हैं, ये हमारी बड़ी बात है। खैर यहाँ मेरी सिस्टर बना रही है रोटी और अब्बू की आई हुई कॉल। अब्बू को हम कह रहे हैं हमारे पास आ जाओ, अब्बू गए मैं पंजाब, कब से गए मैं अभी तक नहीं आए, पता नहीं क्यों नहीं आते। हम लोगों ने बहुत बोला है हमारे पास आ जाए, कह रहे थे 2-3 दिन बाद आ जाऊँगा, पर खैर अभी तक तो नहीं है। यहाँ पे बना रही है रोटियाँ जब तक ये लोग रोटी वगैरह बनाती हैं, और हम लोग थोड़ी मामी से भी गपशप वगैरह कर लेते हैं। मामी क्योंकि मेरी आई भी है तो वो डालमिया में रहती हैं, मामू लोग भी, तो वो लोग भी आज आए हुए हमारी तरफ ना। तो ये टाइम होता है शाम का, तो हमारे टाइम घर जो है ना मेरी मामी वगैरह आ जाती हैं, लोग इकट्ठे हो जाते हैं घर पर, तो इसलिए जो है कुछ फिर हमें मज़ा आता है यहाँ पे घर पे, क्योंकि हमारे घर पे रौनक लगी। लेकिन हाँ मेरी अम्मी के यहाँ तो बहुत रौनक होती थी हमारे घर पे। कहते हैं ना बस जहाँ माँ हो ना, माँ घर पे, एक घर में जिस कमरे में माँ हो ना उस घर में रौनक ज़्यादा होती है। तो ये पता चला है हमें, लेकिन अभी भी इतनी होते हैं, सब होते हैं, पर पहले वाली बात नहीं रही। तो खैर माँ के हाथ की रोटियाँ भी अब पता नहीं कब खाई होगी हम लोगों ने। तो मैं जब भी ऐसी कोई बात करती हूँ ना बस तो नहीं की जाती, हम इस बात को जो माँ के हाथ की रोटी होती है वो रोटी होती है सालन, बस वो खाया जाते हैं। और बाकी मेरी बड़ी सिस्टर है वो भी बहुत करती है हमारा, वो माँ की जगह है तो रोटी वगैरह बनाती है हमारे लिए, खाना हम आते हैं खाना वगैरह बना हुआ होता है। तो हम सुबह जब कभी संडे की छुट्टी हो तो हम जैसे उठते हैं हमारे लिए नाश्ता वगैरह भी बन जाता है। तो यहाँ पे है ये रोटी वगैरह भी सेक रही है, तो शाम की जो होती है ना हम बना लेती, लेकिन अभी जो है
कल मैंने बनाई थी, आज जो है मेरी सबसे छोटी सिस्टर है वो बना रही है रोटियाँ। तो फ़ोन पे कर रही है बातें भी और रोटियाँ भी बना रही हैं। और ना लड़की को वैसे भी जो है ना रोटी वगैरह बनानी आनी चाहिए, क्योंकि ससुराल जाओ ना फिर कहते रोटी बनी है। तो माशाल्लाह हम लोग रोटी तो वैसे बना लेते हैं, लेकिन कल मैंने काफ़ी अर्से बाद बनाई थी ना, तो वो एक रोटी मुझसे जो ख़राब हो गई थी पहली रोटी, तो फिर माशाल्लाह मैंने बाकी सारी रोटी सही बनाई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही दिन होते हैं इंसान को, बस हम लोग नहीं बनाते, हमें मेरी बहन कहती है सीखो सीखो, पर हम लोग कहते हैं बाहर का काम सीख के रही है ना, वही बहुत है हमारे लिए, घर का काम सीख कर हम लोगों ने क्या करना है। तो इसलिए भी कुछ होता है, लेकिन कोई मसला नहीं है। यहाँ पे जब मेरी सिस्टर बना रही है अभी रोटियाँ, तो जब तक ये लोग रोटियाँ वगैरह बनाती हैं, अब देखें तबे को कितना सेक लग रहा है, अपनी मर्ज़ी से रोटी बना रही हैं ये लोग। तो जी यहाँ पे हमारी रोटियाँ बन चुकी, हमने खाना खा लिया था, मेरी मामी ने हमारे लिए बनाई चाय, तो ऊपर हम गई, मैं अभी ऊपर से चाय जो है नीचे लेके जा रही हूँ। तो अभी जो है मैं चाय जो है अपनी नीचे ले आई हूँ, आते आते ना सीढ़ियों से गिर गई थोड़ी ट्रे में, कोई मसला नहीं, पीनी तो हमने कौन सा, हमने मेहमानों के आगे जाके पेश करनी कि ये लो आप लोग के लिए बनाओ, और वो 10 बातें बनाएंगे, अब अला किसने बातें बनानी, हमने खुद ही तो चाय पीनी है। तो मेरी एक बड़ी सिस्टर है वो भी मामी के घर गई हुई है, सुनहरा भी, छोटा भाई भी चले गए हैं, वह लोग चाय वगैरह पीने। तो हमारी चाय वैसे ही हमारी घर पे बन के आ चुके थे, अभी हम लोग जहाँ बैठ के सूटे लगा रहे हैं। तो दोस्तों आज का हमारा व्लॉग था यहीं पे एंड करते हैं हम लोग मोमानी की चाय के साथ साथ। थैंक यू मोमानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, चाय जो है आप लोग की हमारे घर पे आ चुकी है, अभी जो हम चाय इन्जॉय करते हैं यहाँ पर बैठ के। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, दुआ में याद रखा करें, एंड टेक केयर, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, बाय।